नमस्कार। अट्रैक्ट लव रिलेशनशिप विद दिस मैजिकल वर्ड। आज हम शब्दों पे ही बात करेंगे। शब्द क्या है? शब्द एक तलवार की तरह होता है। यदि वो अच्छे से निकले, या मैं ये कहूं अगर गलत तरीके से निकले, तो एक तलवार की तरह काम करता है, और अच्छे से निकले तो एक कलम की तरह बन जाता है। शब्दों से ही बड़े बड़े, आपने देखो कहा, जो भी हमारे इतिहास में लोग हुए हैं, उन्हें बड़ी बड़ी किताबें रच दी हैं, जिनको हम आज भी इंस्पिरेशन मांग के पढ़ते हैं। तो शब्दों में बहुत ताकत होती है। आपके शब्द आपके इनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं पॉजिटिविटी का। आज हम उन शब्दों का एक ऐसा आपको शब्द बताऊंगी जो आपकी व्यक्तिगत जिंदगी को बदल देगी। यदि आपके रिश्ते खराब हैं, कितने भी खराब हैं, मतलब बहुत हद तक खराब हो चुके हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ के हैं और नहीं आपकी को समझ में आ रहा, तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव, चाहे 10% चाहे 20% आई है, तो वो जरूर आएगी। मगर आपको भी पॉजिटिव रहना, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाते हुए जैसा मैं कह रही हूं उसी प्रकार से चलना है। आज इस चैनल रेखी ज्ञान के माध्यम से एक छोटा सा मैजिकल वर्ड आपको सिखाऊंगी जो आपकी जिंदगी को बदलने में आपके बहुत हद तक मदद करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर रिलेशन अच्छे नहीं है तो किस तरीके का हम स्टोन पहने जो आपके रिलेशन को मजबूत करे। देखिए, इस तरीके से रोज क्वार्ट आता है। आप देखिए, रोज क्वार्ट के बस पेंडेंट्स हैं, इस तरीके से आप इन्हें मंगवा लीजिए या मुझसे ही मंगवा सकते हैं, और इनको आप धारण कीजिए। ये जो स्पेशली स्टोन है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये आपके रिलेशंस को मजबूत करने में बहुत मदद करता है। मैंने स्टोन की खासकर ये खासियत देखी है, ये आपके बिलीफ सिस्टम को, आपकी मजबूती को, आपकी वाइब्रेशंस को, आपके झगड़ों को पॉजिटिव रख लेता है। आप चाहे तो रॉ फॉर्म भी अपने अच्छे से, अपना जो आपका बेडरूम एरिया है या आपका सोते हैं, वहां पे कोई पलंग है तो उसके किनारे में भी आप रख सकते हैं, तो वहां पर भी आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा। यदि आप पहनना नहीं चाहते पेंडेंट या ब्रासलेट के फॉर्म में, तो आप उसको रख लीजिए, या उसके और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते। अदरवाइज रॉ फॉर्म तो सबसे बेस्ट है, चीप भी पड़ता है और अच्छी वाइब्रेशंस भी क्रिएट करता है, तो आप उसको भी अपने पास रखिए, वो भी आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। तो रोज क्वार्ट्ज जो है वो आपके रिलेशंस पे काम करता है, आपकी पॉजिटिविटी पे काम करता है, आपके वाइब्रेशंस, आपके अफर्मेशंस पे आपकी सोच को एकदम से बहुत पॉजिटिव बना देते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर रंग है। आप हाथ में जैसे आप लेंगे ना, आपके अंदर बदलाव आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब आपको एक, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस वर्ड को एक पेपर पे, पेन पे लिख लीजिए, नहीं तो एक पानी का ग्लास ले लीजिए, उसे होल्ड कर लीजिए और उससे कीजिए। उसके लिए हम टंबल्स देते हैं रोज क्वार्ट के, आप चाहें तो वो दो टंबल्स आप मंगाइए, रोज क्वार्ट के ग्लास में छोड़ दीजिए और उनसे पानी ड्रिंक कीजिए, तो वो भी आपकी अगर सोच में प्रॉब्लम्स है तो उन्हें भी पॉजिटिव क्रिएट करना है, वाइब्रेशंस को क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो वो भी आपके रिलेशंस पे, यदि आपके रिलेशंस में कोई आपकी तरफ से गलती हो रही है तो भी वहां काम करेगा। कभी कभी हमें लगता है हम तो ठीक है, मगर सामने वाला बार बार मिस्टेक कर रहा है, तो अब उसकी वाइब्रेशंस को हम कैसे क्रिएट करें। तो सपोज आपके जो आपका बेडरूम है, आप वहां बैठ जाइए, आप एक पेपर ले लीजिए और एक पिंक कलर का पेन ले लीजिए। यहाँ पे मैं स्पेशली पिंक कलर के पेन का इस्तेमाल करा रही हूँ, रेड भी ले सकते हैं लेकिन अगर पिंक होता है तो बहुत अच्छा है। दूसरे आज वास्तु का एक और तरीका पहले बता दूं उससे, अगर आपके रिलेशंस पर्सनली लेवल पे खराब है तो मैं कहूंगी अपने कर्टेंस फूलों वाले यूज कीजिए, पिंक कलर के फूल, रेड कलर के फूल या हल्के गुलाबी रंग के फूलों का आप अपना पर्दे यूज कीजिए, बेडशीट यूज कीजिए, अपने बेडरूम का कलर आप पिंक रखिए। इस तरीके से पिंक कलर का इस्तेमाल अपने रूम में करने लग जाइए, या देसी गुलाब का पौधा अपने घर में लगाइए और जो उसमें गुलाब के फूल निकले तो उसको आप अपने अपने गजरे में भी लगा सकते हैं। आप चाहे तो अपने रूम में आप उसको, आप पौधे को जब फूल खिल जाए उसको लगा के आप पानी के अंदर रख के आप अपने रूम में रख सकते हैं उसकी खुशबू, यानी कि आपको वो भी क्रिएट करना है। अगर आप कोई इत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोज का इत्र आप मुझसे मंगवा सकते हैं, रोज का भी, तो वो भी मैं आपको देती हूँ, तो आप वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा।
वो भी आप कीजिए। ये हो गया वास्तु का तरीका, जो आपके कमरे की एनर्जी से आपके पति पत्नी के संबंध सही नहीं है तो वहां पे क्रिएट करेगा। मतलब आपको पिंक कलर का ज्यादा इस्तेमाल करना है रिलेशंस। रोज क्वार्ट का आपको स्टोन का तो इस्तेमाल करना ही है अगर ज्यादा वर्स रिलेशंस है। कुछ भी रोज क्वार्ट का रखिए, मगर रखिए प्लीज। अब आपको सबसे पहला क्या करना है, क्या लिखना है, वर्ड्स जो है वो बहुत सोच समझ के चुनाव करने चाहिए। तो पिंक कलर का पेन ले लीजिए, पेपर पे आपको लिखना है। आप पेपर ले लीजिए, जैसे आपने पेपर ले लिया तो आप व्हाइट पेपर ले लीजिए और पिंक कलर का पेन से आपको सिंपली इस पे लिखना है, लिखना है आई एम हैविंग अ हैप्पी ब्लेस्ड रिलेशनशिप विथ माय लव पार्टनर। आई एम हैविंग ए हैप्पी ब्लेस्ड रिलेशनशिप विथ माय लव पार्टनर। जो भी आपका लव पार्टनर है वो, अगर आप लव पार्टनर के जगह नाम देना चाहते हैं तो उसका नाम देके भी आप संबोधित कर सकते हैं। मैंने एक सिंपली आपको वर्ड बता दिया, आपको ये लिखना है। जैसे आप इसे लिखेंगे आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे, धीरे धीरे ये शब्द आपको याद हो जाएगा और जब भी आप बैठे होंगे एक पॉजिटिव अफर्मेशन आपके दिमाग में जा रही होगी, या कभी आपका झगड़ा होगा या सामने वाला ही झगड़ा कर रहा होगा तो आपका मन ही नहीं होगा, क्योंकि आप ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस बार बार अपने अंदर क्रिएट कर रहे होंगे, तो एकदम से आपका झगड़ा जो है वो बदल जाएगा। तो ये पॉजिटिविटी भी आप डालेंगे एकदम से, आप देखिए आपकी अफर्मेशन, आपकी ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों के माध्यम से, छोटी छोटी चीजों से जोड़ के आप सिंपली इन सिंपल वर्ड्स का यूज करके अपनी वाइब्रेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का, पिंक कलर के पेन का, प्रॉपर अपने साफ शब्दों को लिखने का, हमेशा केयरफुली और बी पॉजिटिव रहने का, कि जो हम अफर्मेशन जो अपने आप को दे रहे हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जा रही है। तो अफर्मेशन बहुत हद तक क्लियर और पॉजिटिवली हमें अपने माइंड तक पहुंचानी है। मेरे रेकी ज्ञान चैनल के माध्यम से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।